हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं लौफा साग बनाने जा रही हूँ अपने खाद्यम चैनल में। ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए, ये गोल गोल इनकी पत्तियां रहती हैं, इधर से कट लगे हैं और ये गोल एकदम सेफ गोल है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये साग। और इसी साग में ये आधा गड्डी पालक भी डालूंगी। ये एक गड्डी थे, इसको मैं चुन के रखी हूँ सारा। इसमें इतना डंठल निकले हैं, देखिए दोस्तों, डंठल को पहले मैं चुन के साइड कर दी हूँ। आधा गड्डी पालक और एक गड्डी लफा साग है। दोस्तों, आपके तरफ क्या कहते हैं इस साग को, कमेंट में बताइएगा। हमारे गांव में तो लफा साग कहते हैं। ये देखिए, एकदम गोल पत्ती होती है इनकी। अब इन साग को ना धो लेती हूँ बढ़िया से, 3 से 4 पानी दोनों साग को धो लेती हूँ। फिर बिल्कुल बारीक काट लूंगी साग को, कच्चे ही उबालेंगे नहीं, कच्चे साग को काट लेती हूँ। और ये लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक टमाटर ली हूँ एक, ये सबको छील के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। चलते हैं, पहले इन साग दोनों को धो लेती हूँ बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, ये लफा साग को एकदम बारीक काट ली हूँ। ये देखिए, एकदम छोटा छोटा में काट ली हूँ। अब इनको ना कुकर में रख रही हूँ। अब कुकर में 1 से 2 सीटी लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाएंगे, मुश्किल से दो दो सीटी लगा देंगे। और इनको ना ग्रेवी वाली साग बनाऊंगी, ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है लफा साग। ढक्कन बंद कर रही हूँ। मीडियम लो में इसको पकाएंगे, 2 सीटी लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब ये खोल रही हूँ। ये देखिए, 2 सीटी में बहुत बढ़िया से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई है ये साग। अब यहीं पे क्या करेंगे, देखिए एक पुराना मेथड करेंगे। ये मेसर है, पुराने जमाने की दाल घोटनी इसको कहते हैं। आपके तरफ क्या कहते हैं वो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इससे ऐसे ना मैश कर देती हूँ साग को। ये देखिए, बहुत बढ़िया से ये मैश हो गए हैं। ज्यादा झंझट नहीं है इस साग को बनाने में। ये देखिए, मुश्किल से 2 मिनट लगे भी नहीं है, ये सारा बढ़िया से मिल गए हैं। अब इनको रखते हैं साइड में। अब ये एक पैन चढ़ा दी हूँ। अब इसमें ग्रेवी वाले साग बनाऊंगी, इसके लिए तड़का पहले दे रही हूँ। पैन गरम हो गया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। इसमें दोस्तों 2 बार तड़का लगाएंगे, एक बार तो अभी लगा रही हूँ और फिर दिखाऊंगी कब लगाना है। अभी तेल गरम हो गए हैं, इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ। दोस्तों, ये साग यूपी और बिहार में बहुत फेमस है, बहुत चाव से लोग खाते हैं ये, चावल के साथ रोटी के साथ। जो अदरक लहसुन थे उसका पेस्ट डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा भूनेंगे ब्राउन होने तक। इस साग में विटामिन रहते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, कलर चेंज हो गया है अदरक लहसुन का। अब यहीं पे हरी मिर्च डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ और सबको फिर से भूनेंगे। देखिए, प्याज का भी कलर चेंज हो गए हैं। अब यहीं पे टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए।
करने पर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ ताकि हमारा टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। एकदम मीडियम आंच पर बनाना है दोस्तों, इनको एक बार ढक रही हूँ, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। ये देखिए दोस्तों, टमाटर प्याज लहसुन मिर्च सब सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहीं पे जो लाफा साग मिलाकर रखी थी वो डाल रही हूँ। अब इन सबको भूनूंगी, दो मिनट इन सबको भून रही हूँ ताकि जबरदस्त टेस्ट आए हमारे साग में। यहाँ से भुना गया है, अब यहीं पे कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें ज्यादा मसाला की जरूरत नहीं होता है, ये अपने आप बहुत टेस्टी रहते हैं ये साग। ये देखिए, छोटा चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब मिला देंगे इन सबको। दोस्तों आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टा होगा। मैं वैसे तो टमाटर डाली हूँ इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अब बिल्कुल ये भुना गया है हमारा मसाला भी, साग भी, सब कुछ। दोस्तों देखिए, अब ये इसमें ग्रेवी के लिए एक गिलास गरम पानी डाल रही हूँ। ये सुसुम गरम है, हल्का गरम, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, ये गरम हल्का करके डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं साग। और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक गिलास में हो गया, ये बहुत परफेक्ट बनेगी, नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। ये जो देखिए, ये बढ़िया बन गए हैं। अब ढक रही हूँ, इसको एक उबाल आने देती हूँ। हमारी साग ग्रेवी वाली खोल के तैयार हो गए हैं, एकदम बन के तैयार हो गए हैं। ये हमारे तरफ ठंडी में बहुत मिलते हैं, पौष्टिक होती है, हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं दोस्तों। अब गैस को बंद कर रही हूँ, ये देखिए बन के तैयार हो गए। अब एक सीक्रेट चीज इसमें लगाएंगे, दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, तड़का लगाने के लिए एक करछी ली हूँ, उसको गर्म करके इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। अब ये तेल गर्म हो गए हैं, अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ और एक सूखी मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च। यहाँ पे लौ को एकदम बिल्कुल कम रखेंगे। अब ये देखिए, जीरा चटक गए हैं, मिर्च भी पक गए हैं। अब गैस को करते हैं बंद। अब ये देखिए, ग्रेवी वाली साग में ऊपर से तड़का लगाती हूँ। ऐसे छनाकदार आवाज आते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये साग। अब यहीं पे जल्दी ढक रही हूँ दोस्तों, ताकि इसी के अंदर रहे सारी झांस। ये देखिए दोस्तों, दो मिनट तक ढक के रखी हूँ, इसे कितना अच्छा बना है। ऐसे ही एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस रेसिपी को। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है रेसिपी। चलिए तो अब मिलते हैं अगला वीडियो में नए रेसिपी के साथ।